सो लेट्स कम टू द इकानमी ऑफ़ पी टी थ्री सिक्सटी फाइव की जो इकानमी आई है हम वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वी हैव कम्पलीटेड द पॉलिटी पी टी थ्री सिक्सटी फाइव आई होप

क्वांटिटेटिव इन नेचर ग्रोथ जो है आप मेजर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया जीएनपी हो गया कि कितना ग्रोथ हुआ है इंडिया का ग्रोथ 2013-14 में कितना था इंडिया का ग्रोथ 2017-18 में कितना था और इंडिया का ग्रोथ 23-24 में कितना है तो ये जो है ग्रोथ जो एक टर्म है दैट शुड बी मेजर ठीक है तो ये एक क्वान्टिटेटिव टर्म है एम वॉट इज डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारा क्वालिटेटिव टर्म है बिकॉज ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाता है और इसमें जो है हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स हो गया अदर इंडेक्सेस जो है ये सब हमारे डेवलपमेंट में आते हैं तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव दोनों हो सकता है बिकॉज क्वालिटेटिव कुछ चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं ठीक है तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेन डिफरेंस है कि ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव नेचर है वैल्यू बेस्ड नेचर है बट डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव नेचर है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया अब जीडीपी की अगर बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने इकोनॉमी अगर कंप्लीट कर ली है बेसिक तो आपको पता होगा बट यहां पे मैं बता देती हूं तो जी का मतलब होता है टोटल वैल्यू जितना भी आप फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी में विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर ही आप जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम लेट से वन ईयर तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक टर्म इसलिए दिया गया है कि डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आप इंडिया के अंदर ही मतलब विद इन टेरिटरी टिकटोरियल विद इन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आप जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उनका जो वैल्यू होता है उसको जी बोलते हैं अब एक टर्म आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कोई भी कोई भी पर्सन कोई भी जो हमारा रेसिडेंट uh, है या सिटीजन है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो पर वो कहीं भी कंट्री में कर रहे हो किसी भी कंट्री में कर रहे हो तो उसको ग्रॉस नेशनल इनकम में काउंट होता है अब ग्रॉस नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम वो देखते हैं मतलब हम लोकेशन देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडिया में ही प्रोड्यूस करना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज वेदर वो इंडियन हो या फॉरेनर हो उससे हमको मतलब नहीं है बट हमारे इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम की अगर बात करें तो ग्रॉस नेशनल इनकम में हम कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है भले वो डोमेस्टिक कंट्री में कर रहा हो या फॉरनर कंट्री फॉरन कंट्री में कर रहा हो तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो हेयर आई इन आई हैव ऑलरेडी रिटेन तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है वैल्यू जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी रेसिडेंट इंडियन हो या फॉरेनर हो वो दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं जी अब वाई इट इज इन न्यूज तो इंडिया ने अभी रिकॉर्ड किया है रियल जी डी पी ग्रोथ सेवन पॉइंट एट परसेंट ड्यूरिंग अप्रैल जून पीरियड ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अब दो टाइप के जी डी पी हमने पढ़े हैं नॉमिनल जी डी पी एंड रियल जी डी पी नॉमिनल जी डी पी क्या होता है नॉमिनल जी डी पी का सिंपल मतलब होता है कि जब हमारा करेंट ईयर के प्राइजेस जो है हम उससे जी डी पी निकाल रहे हैं तो उसको हम नॉमिनल जी डी पी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर अभी नॉमिनल जी डी पी जब भी हमारा इन्फ्लेशन जब भी हमारी महंगाई बढ़ेगी तो नॉमिनल जी डी पी हमारा बढ़ जाएगा तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो करंट ईयर का इन्फ्लेशन है जो करंट ईयर का प्राइस है हम उससे जीडीपी निकाल रहे हैं तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे रियल जीडीपी किसे बोलेंगे रियल जीडीपी जब हम बेस ईयर के बेसिस पे जो हमारा बेस ईयर हमने लिया है उसके बेसिस पे वहां के जब प्राइजेस थे वहां के जो भी प्राइजेस थे उसके बेसिस पे हम जी निकाल रहे हैं तो उसको हम रियल जी बोलेंगे ठीक है और रियल जी पे इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ रहा हो रियल जी हम उस बेस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो अब आप मान लीजिए हमारा बेस ईयर 2011-12 है जो कि गवर्नमेंट ने रिवाइज करके 2011-12 रखा अब 2011-12 में जिस प्रोडक्ट का वो प्राइजेस था उस टाइम पे जी क्या था उस टाइम पर क्या प्राइजेस थे उस हिसाब से हम आज के प्राइज आज के हम रियल जी निकालेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं एक्यूरेट वैल्यू हमको बताता है हमारे ग्रोथ की कि हमारा ग्रोथ कितना

आउटपुट पे फोकस करता है मतलब कितना क्वांटिटी हमारा बड़ा प्राइजेस हमारा उस बेस ईयर के हिसाब से लेते हैं बट हमारी क्वांटिटी कितनी बड़ी उस हिसाब से देखते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारे आउटपुट पे फोकस करता है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट रियल जी ग्रोथ रेट एंड नॉमिनल जी ओके नाउ लेट्स कम टू वॉट इज द प्रेजेंट जी डी कैलकुलेशन इन इंडिया प्रेजेंट जी डी कैलकुलेशन की अगर बात करें तो रियल एंड नॉमिनल जी होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है प्रोग्राम uh, इम्प्लीमेंटेशन वो जो है क्वार्टरली ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करती है क्वार्टरली मतलब साल में चार बार ग्रॉस वैल्यू एडेड कैलकुलेट करती है एट कांस्टेंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस मतलब जो हमारा बेस ईयर का प्राइस है 2011-12 का जो भी प्राइजेस थे उस बेसिस पे ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारी जो एमोसपी है वो कैलकुलेट करती है क्वार्टरली अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है हर सेक्टर का अलग अलग निकालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्यूफैक्चरिंग का अलग निकाल रहे हैं एग्रीकल्चर का अलग निकाल रहे हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब कितना प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना आपने वैल्यू एड करते गए उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड और जो कि रियल जी होता है एंड करेंट प्राइजेस पे हम नॉमिनल जी निकालते हैं अब एक जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है जीडीपी डिफ़्लेटर जो है इसका मतलब है इसका रेशियो इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जी डी पी अपॉन रियल जी और ये कहीं ना कहीं हमको इंक्रीज़ जितना हुआ है हमारे जीडीपी में और किस कारण हुआ है उस वो सारी चीज़ें बताता है तो ये जीडीपी डिफ़्लेटर हमको रिवील करता है कि इंक्रीज़ कितना हुआ है जी ऑन अकाउंट ऑफ कि प्राइजेज अगर हायर हुए हैं रैदर देन द आउटपुट मतलब आउटपुट भले इंक्रीज़ ना हुआ हो बट प्राइजेज अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा जी कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो हम जी डीपी डिफ्लेटर बताते हैं बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जी डी पी अपन जी डी पी आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल जी डी पी का मतलब होता है जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है कॉन्स्टेंट प्राइस पे उससे हम रियल जीडीपी मेजर करते हैं हर सेक्टर का अलग अलग फिर नॉमिनल जी डी पी जो है वो हमारा करेंट प्राइस पर मेजर करते हैं अब जी डी पी डिफ्लेटर क्या होता है रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जी डी पी तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या रिवील करता है कि कितना हमारा जी डी पी इंक्रीज हुआ है आ, अगर हम कितना हमारा जीडीपी डी इंक्रीज हो रहा है अगर हमारे प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं रैदर देन द आउटपुट आउटपुट पे फोकस नहीं करते अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज़ हो रहा है सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी डी पी एंड नॉमिनल जी डी पी वॉट इज जी डी पी वॉट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड वॉट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वॉट इज जी डी डिफ्लेटर आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे अब वॉट आर द कैलकुलेशन अप्रोचेज जो हमारे जी डी पी कैलकुलेट के लिए यूज होते हैं है, तो तीन अप्रोचेस प्रोडक्शन अप्रोच इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच प्रोडक्शन अप्रोच में वैल्यू एडेड जितना भी वैल्यू एड होता है ब्रेड बनाना है, बनाने के लिए हमको मैदा लेना पड़ेगा मैदे के साथ हमको थोड़ा बहुत शुगर लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हमको ईस्ट लेना पड़ेगा तो जितना भी हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है तो उन सब का सम करके जो है हम प्रोडक्शन अप्रोच निकालते हैं ओके फिर आते हैं इनकम अप्रोच की बात करें तो इनकम में टोटल इनकम जो अर्न करते हैं बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको हम बोलते हैं इनकम अप्रोच इसमें फैक्टर इनकम निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको पता है चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते किसी भी इकोनोमी को चलाने के लिए हमको चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है पहला लैंड दूसरा लेबर तीसरा एंटरप्रनोरशिप

कॉल्ड इनकम नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर अप्रोच एक्सपेंडिचर जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है हर एंटिटीज के द्वारा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज उसको हम बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है एक्स माइनस एम मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट और सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे एंटिटीज़ के द्वारा फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे कौन हमारे हाउस होल्ड्स करते हैं गवर्नमेंट भी करती है हमारे प्राइवेट सेक्टर्स भी करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे प्राइवेट सेक्टर्स का होता है गवर्नमेंट का भी होता है एंड हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट हमारी प्रोवाइड करती है पीपल को चीजें तो उसके में जो एक्सपेंडिचर लगता है तो वो सारी चीजें एक्सपेंडिचर अप्रोच में आती है बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी होता है क्योंकि एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में हम हम कंट्री से करते तो हमको इनकम मिलती है और इंपोर्ट करते तो हमारी इनकम जाती है तो इसलिए एक्सपोर्ट से इंपोर्ट माइनस करेंगे तो दिस कम्स अंडर द एक्सपेंडिचर अप्रोच आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और जीडीपी के तीन कैलकुलेशन मैथड भी प्रोडक्शन अप्रोच इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तीनों अप्रोच के कारण डेटा कलेक्शन प्रोसेसिंग भी अलग अलग होता है उसमें भी वेरिएशन होते हैं इसलिए देखा जाता है कि तीनों अप्रोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आता है वाइल मेकिंग द फाइनल कैलकुलेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन अप्रोचेस नाउ लेट्स कम टू जीडीपी कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 15 क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए तो 2015 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस थे उन्होंने एक न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बेस ईयर को रिवाइज़ किया पहले टू थाउजेंड था अब टू थाउजेंड है और बेस ईयर इसलिए रिवाइज किया जाता है पीरियॉडिकली कि जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है उाइल इकॉनमी में वो जो है हम टेक प्लेस करें वाइल द जीडीपी और ट्रू पिक्चर इकोनॉमी की अब ये न्यू सीरीज जो है वो कहीं ना कहीं लेटेस्ट रिकमेंडेशन है बाय द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ऑन कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट ओके सो दिस इज द चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग इंट्रोड्यूस इन टू थाउजेंड अब वाई जीडीपी इज नॉट अ वेरी गुड मार्कर ऑफ मेजर डेवलपमेंट अब जीडीपी क्यों इतना अच्छा मार्कर नहीं है बिकॉज जीडीपी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट एक्सप्री एक्सटर्नलिटीज एक्सटर्नलिटीज़ मतलब होती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पल्यूशन डिपलीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ये सब जो है जी में काउंट नहीं होता इसलिए जी जो है गुड मार्कर नहीं है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एस्पेक्ट फैमिली बॉन्डिंग ये सब मेजर नहीं करता जीडीपी डी सोशली नेगेटिव एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड नहीं कर सक नहीं करते हैं भले वो इकोनॉमिक आउटपुट जनरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फॉर एग्जांपल रिपेयर वर्क आफ्टर अ ट्रेन क्रैश वो भी जी में काउंट नहीं होता है नॉन इंक्लूजन ऑफ सोशल एस्पेक्ट जैसे कि पीपल के लाइफ सच एस हेल्थ का स्टेटस क्या है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है तो ये सब भी जी में काउंट नहीं होता है ओके सो दीज आर द थिंग्स जो जी डी पी में काउंट नहीं होती ब्लैक मनी हो गया वो जी डी पी में काउंट नहीं होता है ठीक है इंटरमीडरी गुड्स हो गए वो जी डी पी में काउंट नहीं होते तो दीज आर द थिंग्स जो जी डी पी में काउंट नहीं होते इसलिए बोला जाता है कि जी डी पी गुड मार्कर नहीं है टू मेजर द डेवलपमेंट इसीलिए फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नलिटीज़ अगर एनवायमेंट वगैरह काउंट नहीं होता है तो इसलिए उसके लिए ग्रीन जी डी पी एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसमें जो है नॉर्मल जी डी पी जो है हमारा उससे हम जो हमारा एनवायरमेंटल डैमेज है उसको माइनस करेंगे तो हमारा ग्रीन जी डी पी की वैल्यू आएगी सो ग्रीन जी डी पी हमने बहुत ज्यादा टर्म सुना है नेक्स्ट आते हैं वॉट आर द चैलेंजेस विद करेंट कैलकुलेशन तो आउटडेटेड डेटा बहुत सारे सेक्टर्स में हम यूज करते हैं अकाउंटिंग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की Uh, uh, बहुत अच्छे से नहीं होती और प्रोडक्टिव वर्क्स जैसे कि हाउस होल्ड वर्कस है हाउस वाइफ हाउस होल्ड वर्क है जैसे हाउस वाइफ्स हैं वो घर में कोई काम कर रही है तो वो सब एक्सक्लूड होता है तो इसलिए ये सब चैलेंजेस हैं हमारे जीडीपी से रिलेटेड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीडीपी आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे नेक्स्ट कम टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट नीति आयोग ने अभी एक पेपर रिलीज किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस टू थाउजेंड फाइव टू सिक्स एंड द पेपर जो है नेशनल एम पी आई यूज़ किए हैं फॉर एस्टिमेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अब की फाइंडिंग से पहले हम अबाउट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ लेते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो यह पहला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में रिलीज हुआ था बेस्ड ऑन डेटा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रोवाइड करते हैं उस डेटा पे बेस था अंडर द ग्लोबल गवर्नमेंट्स ग्लोबल इंडाइसिस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव नीति आयोग जो है नोडल एजेंसी है हमारे नेशनल मल्टी डायमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स की ठीक है अब ये एक जो है इंडिया का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं वेरियस इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स में मैथडोलॉजी जो भी यूज होती है इन कंप्यूटिंग इंडियाज़ नेशनल एम वो एल्कायर फोस्टर मैथडोलॉजी है जो कि वहाँ पर इस मैथडोलॉजी में क्या किया है? कि पीपल को पुअर डिफाइन किया गया है और नहीं पुअर नहीं है डिफाइन किया है बेस्ड ऑन द डूअल कट ऑफ काउंटिंग मैथड डूअल कट ऑफ काउंटिंग मैथड पे पीपल को पुअर और नॉन पुअर डिफाइन किया गया है अब एल्कायर फोस्टर मैथड जो है आ, वो आ, हमको बताते हैं ब्रेथ और डेप्थ मतलब इंसिडेंस क्या है पॉवर्टी का और इंटेंसिटी कितनी है पॉवर्टी पौर, की ठीक है कितना डीप है पॉवर्टी हमारे इंडिया में और इंसिडेंस कितने कितने ज़्यादा लोग पुअर हैं तो वो सारी चीज़ें बताते हैं एंड इसमें बोला गया कि पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए ए एफ मैथड जो है वो काउंट करता है ओवरलैपिंग और साइमल्टेनियस डिप्रीवेशन साइमल्टेनियस डिप्रीवेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स में अगर डिप्राइव है दैट अ पर्सन और हाउस होल्ड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी तो वो जो है साइमल्टेनियस डिप्रीवेशन को भी देखते तो यही मेथड यूज करके हमारी इंडिया का नेशनल एमपीआई दिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू दैलॉजी अगर बात करें, तो किसी भी इंडिविजुअल को पुअर किया जाएगा, अगर उनका है, या फिर इंडिया के नेशनल मतलब उसके इक्वल है तो इंडिविजुअल को एमपीआई पुअर बताया जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट क्या क्या है? है, हमारे नेशनल एमपीआई के अंदर तो हेड काउंट रेशियो की अगर बात करें सब इंडाइसेस जो है हमारे नेशनल एमपीआई के अंदर तो हेड काउंट रेशियो से हेड काउंट रेशियो एक टर्म है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी मेजर करते हैं तो कितने पुअर हैं वो हमको हेड काउंट रेशियो बताता है तो इसमें बोला जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ मल्टी डायमेंजनली पुअर पीपल है उसको टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से डिवाइड कर दो तो हेड काउंट रेशियो निकल आएगा फिर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी की अगर बात करें तो कितने पुअर पुअर है ठीक है तो इसमें क्या करेंगे जो एवरे वेटेड डेप्रीवेशन है सारे पुअर पीपल का उसको डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी निकलेगी अब एम वैल्यू जितनी भी अराइव्ड होती है जितनी भी आती है उसको हम कैसे निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई करेंगे हेड काउंट रेशियो को और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को तो एच और ए को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि शेयर ऑफ पीपल कितने वर्टी के अंदर है और डिग्री कितनी है डेप्रीवेशन की सो दिस इज ऑल अबाउट द सब इंड ऑफ नेशनल एमपीआई अब इंडिकेटर्स क्या क्या है नेशनल एमपीआई के अंदर तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपने पढ़ा होगा जो इंटरनेशनल लेवल पर निकलती है जो यू और ऑक्सफर्ड करके निकालते हैं उनके हिसाब से दस इंडिकेटर होते हैं दस इंडिकेटर होते हैं बट इंडिया में बारह इंडिकेटर्स हैं दस के बाद दो इंडिकेटर्स और जोड़े गए हैं मेटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट ठीक है account, तो मेटर्नल हेल्थ और बैंक अकाउंट दो चीज और जोड़ी गई जो इंटरनेशनल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसके अलावा अब हेल्थ की अगर बात करें तो इसमें भी तीन चीजों से हम दिखाते हैं हेल्थ सेनिटेशन, आ, हेल्थ हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन तो हेल्थ में सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करें तो कोई भी सिंगल मेंबर आ, कैसे हाउस होल्डाइड हो डेप्राइव्ड होगा तो अगर कोई सिंगल मेंबर हाउस होल्ड का अंडर नरिश्ड है तो वो डेप डिप्राइव्ड होंगे बॉडी मास इंडेक्स अगर बिलो 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर है और कोई भी चाइल्ड जीरो टू फिफ्टी नाइन मंथ्स में अंडर नरिश्ड है तो वो सारे चिल्ड्रन जो है न्यूट्रिशन के बेसिस पे वो जो है मल्टी डायमेंशन पुअर होंगे चाइल्ड एंड एडोल्सन मोरलिटी की बात करें तो कोई भी चाइल्ड अगर अट्ठारह साल से कम का है वो और ख़त्म हो गया है तो वो चाइल्ड एडोल्सन एंड मोटालिटी वो भी डिप्राइव्ड कहलाएगा मेटरनल हेल्थ की बात करें तो कोई भी वीमेन अगर उस उन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया है और उन्होंने चार एंटीनेटल केयर विजिट नहीं किया है नहीं रिसीव किया है तो वो भी डिप्राइव्ड होंगे ठीक है तो उनको क्या बोलेगा हाउस होल्ड इज़ कंसिडर डिप्राइव्ड नेक्स्ट एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस ईयर ऑफ स्कूलिंग में अगर बात करें तो कोई भी एक मेम्बर हाउस होल्ड का दस साल का दस दस साल का है अगर या फिर उससे ज़्यादा का है अगर उसने छः साल की स्कूलिंग नहीं कम्प्लीट की है तो मल्टी डायमेंशन पुअर होगा स्कूल अटेंडेंस की बात करें तो कोई भी चाइल्ड स्कूल को अटेंड नहीं कर रहा है अप टू एज जब तक उसको एट्थ क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए तब तक नहीं अटेंड कर पा रहे तो स्कूल अटेंडेंस में भी, भी होगा नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ, आती है चीज़ें पहला है स्कूल अटेंडेंस पहला है कुकिंग कुकिंग फ्यूल मतलब जो हाउस होल्ड कुक्स करते हैं वो डंग एग्रीकल्चर क्रॉप चारकोल और कोल वगैरह यूज़ करके फिर सैनिटेशन की बात करें तो कोई भी सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है हाउस होल्ड में ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो कोई भी एक्सेस नहीं है ड्रिंकिंग वाटर का और वो बहुत दूर तक जाते हैं पानी भरने इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं हाउसिंग की बात करें तो इन एडिकुएट हाउस नहीं है मतलब जो नेचुरल मटीरियल से बना हुआ है रूफ़ और वॉल नहीं है रूडीमेंट्री है एसेट्स की बात करें तो किसी भी हाउस होल्ड के पास अगर इनमें से इनमें से एक भी एसेट्स ना हो जैसे रेडियो टेलीविजन और टेलीफोन कंप्यूटर एनिमल कार्ड बाइसिकल मोटरसाइकिल रेफ्रिजरेटर और डज नॉट हैव अ कार और ट्रक फिर बैंक अकाउंट की बात करें तो कोई भी हाउस होल्ड मेंबर के पास बैंक अकाउंट ना हो या पोस्ट ऑफिस अकाउंट ना हो तो वो जो है मल्टी डायमेंशनल पुअर कहलाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री डायमेंशन थ्री डायमेंशन से हेल्थ एजुकेशन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सॉरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसमें दस इंडिकेटर्स उसमें बारह इंडिकेटर्स हैं ओके सो द ज ऑल अबाउट हमारा इंडिकेटर्स इन इंडिया नेशनल एमपीआई अब ग्लोबल मल्टी डेमेल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिलीज करती है और एमपीआई ट्रैक करता है डेप्रीवेशन इन टेन इंडिकेटर्स एक्सेप्टाउं बैंक अकाउंट नहीं इंक्लूडेड है और हमारा मेटरनल हेल्थ इंक्लूडेड नहीं है इसमें बाकी सारे इंडिकेटर्स जो सेम है नेशनल एमपीआई में वो सेम है ग्लोबल एमपीआई में नियरली टू थर्ड जो है सारे पुअर पीपल वो मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं और इनकम कंट्रीज में जो कि ओनली टेन परसेंट ऑफ एमपीआई को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ओके नाउ लेट्स कम टू द वॉट इज़ द न्यूज़ अब न्यूज़ में तो हमने देख लिया अब वॉट इज द की फाइंडिंग ऑफ द डिस्कशन पेपर तो स्टीप decline हुआ है पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो में हेडकाउंट रेशियो अभी हमने पढ़ा कि जितने भी नंबर ऑफ पुअर पीपल है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल तो डेक्लाइन हुआ है पुअर पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो में uh, कितने पहले ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन वन सेवन परसेंट था अब इलेवन पॉइंट टू थ्री परसेंट है ट्वेंटी करोड़ इंडियंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एस्केप कर दिया इन लास्ट नाइन इयर्स में इंटेंसिटी जो है पॉवर्टी की वो भी डिक्लाइन हो रही है और पेस जो है हमारा पॉवर्टी हेड काउंट का वो भी डिक्लाइन हो रहा है बहुत तेजी रेट से अब उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान की बात करें तो यहां पे फास्टेस्ट रिडक्शन हुआ है एम का जितने भी ट्वेल्व इंडिकेटर्स जो है सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है सबसे ज्यादा रिडक्शन हाइएस्ट डेप्रीवेशन जो है कुकिंग फ्यूल और हाउसिंग में क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाँव में अभी भी यही सब यूज हो रहा है एंड चाइल्ड एडोल मोर्टेलिटी इलेक्ट्रिसिटी बैंक अकाउंट यहां पे लोवेस्ट डेप्रीवेशन है इंडिया जो है ट्रैक में है टू अचीव एस जी टारगेट वन जो कि जहां पर बोला गया कि हमको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करना है बाई एटलीस्ट हाफ और ये मच अहेड है ऑफ ट्वेंटी थर्टी तो मतलब जल्दी ही पूरा कर लेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनल वाला जो भी है ठीक है सो नाउ लेट्स कम टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें डायरेक्ट मतलब सीधे बेनिफिट मतलब जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र मतलब कोई भी चीज़ आपको देना तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिंपल मतलब है कि जितने भी हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जितने भी पर्सन हैं हम उनको डायरेक्टली कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो ये नहीं कि हम पहले इसको दे रहे हो फिर ये जाके उन पर्सन को दे रहे हो हम डायरेक्टली किसी चीज़ को किसी पर्सन को दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट ने अभी सेव किया है रुपीज़ लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी फ्रॉम टू 2014 to टू by adopting direct benefit transfer डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ठीक है क्योंकि obviously डायरेक्ट क्यों सेव कर पाए क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनको जो है गवर्नमेंट से भी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट जो है जो पैसा दे रही है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी तक पहुंच रहा है और वो कहीं यूज नहीं हो रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर what इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना और टर्मिनेट करना प्रिफरेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड लॉन्च कब हुआ था 2013 में रोल आउट किया गया था और 2014 से इंप्लीमेंट किया गया था कंट्री में नोडल एजेंसी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की है कैबिनेट सेक्रेट सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी और डिम डिसबर्समेंट जो होता है वो चैनलाइज किसके थ्रू होता है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है अब आधार की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो आधार जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में रिक्वायर्ड नहीं है मैंडेटरी नहीं है बट आधार जो है वो जनरली यूनिक आइडेंटिटी है तो इंटेंडेड बेनिफिशियरी के लिए यूज किया जा सकता है और प्रेफर्ड किया जा सकता है किया कर, करते हैं कि आधार जो है यूज हो अब वॉट आर द स्कीम्स अंडर डीबीटी कैश ट्रांसफ़र जहाँ पे आप डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र करते हो उसमें पहल मनरेगा और एन आती एन एस आती है इन काइंड ट्रांसफ़र की बात करें तो जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वीट राइस ये सब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इंटरमीडियरी एजेंसीज़ हैं बहुत सारी जो ट्रांसफ़र करती हैं अदर ट्रांसफ़र्स की बात करें तो फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डिफ़रेंट नॉन गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हेल्प करती हैं हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुँचाने में थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एग्ज़ाम्पल आशा वर्कर्स हो गए आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए तो ये सारे लोग जो ये सारी स्कीम्स जो है अंडर डीबीटी आती है अब व्हाट आर द की एनेबल्स ऑफ डीबीटी तो जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट जैम ये एनेबल करती है कि जितने भी बेनिफिट हैं वो जो भी ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है वो लीकेज प्रूफ हो वेल टारगेटेड हो कैशलेस हो और टाइमली मैनर पर हो जाए फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी पेमेंट हम दे रहे हैं बेनिफिशियरी तक पहुँचा रहे हैं वो टाइम पे हो दूर स्टेप पे हो और फुल वैल्यू हो पेमेंट बैंक की बात करें तो पेनिट्रेशन लेवल जो है फाइनेंशियल सर्विसेज का वो बढ़ा है हमको पूरे कंट्री में रूरल एरियाज तक में मोबाइल मनी की बात करें तो इकोसिस्टम डेवलप करना है फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन यूजिंग आधार एज एन आइडेंटिफायर सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नेक्स्ट कम टू सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो हमारे 2 करोड़ वुमेन को uh, कवर करेंगे अंडर द लखपति दीदी स्कीम जो कि इनक्रेज करेंगे कि सेल्फ़ हेल्प ग्रुप जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है वो स्टार्ट करें अब लखपति दीदी स्कीम की अगर बात करें तो उससे पहले हम हाँ पहले हम सेल्फ़ हेल्प ग्रुप पढ़ लेते हैं सेल्फ़ हेल्प ग्रुप एक विलेज बेस्ड इंटरमीडियरी है फाइनेंशियल फाइनेंशियल कमिटी बनाई जाती है जिसमें दस से बीस वेमेन्स होती हैं लोकल वीमेन होती हैं यह वॉलेंट्री नेचर का होता है कि कभी भी खत्म कर सकते हो कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और इंडिया में अगर देखा जाए तो वन करोड़ सेल्फ हेल्प है जहां जहाँ पे 88% परसेंट जो है वो वुमेन बेस्ड है अब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो कुदुम्बश्री केरला में है जीविका बिहार में है महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में है लूम्स जो है लद्दाख में है अब ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेबर है फॉर एग्जाम्पल दस मेंबर है तो दस मेंबर से अगर एक मेंबर ने लोन ले लिया तो उन दसों मेंबर की रिस्पांसिबिलिटी होगी उस लोन को चुकाना सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ लोन दैट

प्लम्बिंग एल ई डी बल्ब मेकिंग ऑपरेटिंग रिपेयरिंग ड्रोन्स एंड अमंग अदर्स तो दीज आर द एक्टिविटीज़ कवर्ड अंदर द लखपति दीदी स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आती है ओके अब व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए लिए गए हैं तो पहला है दीनदयाल अंत्योदया योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये 2011 में लॉन्च किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यहाँ पे रूरल पुअर वुमेन जो है उनको ऑर्गेनाइज करना है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आए और कंटिन्यू करें और सपोर्ट करें किया जाए उनका और ये इसको रीनेम किया गया एज अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन टू नेक्स्ट आते हैं स्टार्टअप विलेज एंटरप्रनोर प्रोग्राम ये भी 2016 में लॉन्च किया गया और ये सब स्कीम है अंडर डी ए वाई एन आर एल एम और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प किया जाता है कि वो एंटरप्राइजेस सेटअप करें जो विलेज लेवल पे हो और वो नॉन फार्म सेक्टर हो मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग ना करें दूसरे सेक्टर से हो नेक्स्ट महिला किसान सशक्त महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना दो में लॉन्च किया गया यहाँ पर वीमेन को एम्पावर करना है इन एग्रीकल्चर कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करिए बाई सिस्टम मतलब इन्वेस्टमेंट करके you <sniffs> पार्टिसिपेशन प्रोडक्टिविटी बढ़ा के वुमेन को एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करवाना है फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दो में लॉन्च की गई यहाँ पर जो हमारे पुअरेस्ट है पुअर यूथ में भी जो पुअरेस्ट पीपल है उनको स्किल प्रोवाइड करना है बिटवीन द एज फिफ्टीन टू थर्टी फाइव फिर आते हैं वुमनिया इनिशिएटिव दो में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर आता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर का वो एनकरेज करना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप को एनकरेज करना है फॉर द फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन जीईएम पोर्टल नेक्स्ट है टर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप 2023 हज़ार में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाएगा टू फिफ्टीन थाउजेंड सेलेक्टेड वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्यूरिंग दिस पीरियड टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और वहाँ पर रेंटल सर्विसेज जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगी प्रोवाइड की जाएंगी फॉर एग्रीकल्चरल परपसेज सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर इनिशियेटिव जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोमोट करने के लिए लिए गए हैं अब आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेजेस बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट एस एस डी बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट तो एज़ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट बता अगर बात करें तो बैंक लोन्स जो है सेवन पॉइंट सिक्स एट लाख करोड़ अब जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वमेन है वो एक्सेस कर सकती हैं अंडर द सेल्फ हेल्प ग्रुप बी एल प्रोजेक्ट अब सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट क्या है ये एक सेविंग लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जो नाबार्ड ने स्टार्ट किया था इन 1992 में इसमें क्या है जो भी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर वीमेंस हैं या मेंस हैं वो जो है उनको अलाउ किया गया है कि वो ओपन कर सकती है बैंक टू ओपन सेविंग अकाउंट्स और क्रेडिट जो है सब्सिडाइज रेट में ले सकती हैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पीपल के लिए रेट ऑफ़ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा बट सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए वो सब्सिडाइज होगा मतलब कम रेट ऑफ़ इंटरेस्ट में उनको लोन मिल जाएगा अब वॉट आर द कंपोनेंट अंडर दिस ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन करना है जितने भी बैंकिंग मैनेजर्स हैं उनको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप बैंक क्रेडिट्स प्रोवाइड करिए ट्रेनिंग और पोजिशनिंग करनी है ऑफ बैंक साखीज एट रूलर ब्रांच ब्रा uh, रूलर बैंक ब्रांचेस और इनिशिएट करना है कम्युनिटी बेस्ड रीपेमेंट मैकेानिज़म एट रूलर बैंक ब्रांचेस और क्रेडिट लिंक करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप को अब व्हाट इज़ द फेज़ अब फेज़ डेवलपमेंट में ये प्रोग्राम चलेगा फेज़ वन 1990 से 2005 तक आया जिसमें नावार्ड खुद ही एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे थे और आरबीआई ने बैंक को अलाउड किया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेंड करिए ऑन बेसिस ऑफ सब्सिडी फेज़ टू 2006 से 2012 हज़ार स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ फ्रॉम द टारगेटेड इंडिविजुअल टू ग्रुप ओरिएंटेड टारगेटेड पहले क्या था इंडिविजुअल को दिया जाता था अब ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच अपनाई गई फिर फेज़ थ्री 2012 से अभी तक ये यह यहाँ पे लॉन्च किया गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जहाँ पे डेडिकेटेड आर्किटेक्चर और प्रोफेशनल मैन पावर सपोर्ट दी गई और यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी हटा के मॉनिट्री सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई तो कैपिटल सब्सिडी हटा दी गई इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो रिसेंटली माइक्रो फाइनेंस किया है एसोसिएशन है नॉन्ग बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का इंस्टीट्यूशन का जो कि दो हजार नौ में स्टेबलिश हुआ और यह एक अम्बरेला बॉडी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की कंट्री में अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है वो फाइनेंशियल सर्विज जो लो इनकम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को दी जाए और टोटली totally एक्सक्लूडेड हो फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम तो उसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस ठीक है, finance, uh, finance, है? Uh, तो की फाइंडिंग क्या है तो एनबीएफसी जो है वो फॉलोड बाई बैंक्स जो है लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट का ठीक है माइक्रो क्रेडिट कौन प्रोवाइड करता है सबसे ज़्यादा तो एन करते हैं फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है और शेयर जो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का वो भी हमारा डिक्रीज़ हुआ है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज़ न्यूज़ आई विल स्टार्ट टमारो फिजकल पॉलिसी तो फिजकल पॉलिसी आप इकोनॉमिक्स का अपने बुक जो आपकी Uh, हम uh, जो आप जिससे भी आप रिवाइज करते हैं उससे आप पढ़ के आइएगा और उसके बाद हम फिजिकल पॉलिसी कल स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी टर्म रिलेटेड प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन देयर एंड देयर आल्सो ठीक है थैंक यू सो मच इफ यू एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन थैंक यू